और रुक करते हैं अगली खबर की ओर, खबर अमेठी से, जहां अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जिताने के लिए अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मैदान में आ गए हैं। बघेल ने अमेठी में दो जनसभाएं कर जनता से राहुल गांधी के लिए वोट मांगे। इस दौरान बघेल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। बघेल ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह को चुनाव जिताने की मशीन कहा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने खराब कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल है, तीन चरण के चुनाव हो चुके हैं, खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है और देश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हुई। उसके पहले यही कहा जाता था अमित शाह जी चुनाव जिताने की मशीन है और छत्तीसगढ़ में हमने खराब कर दी। साहब वहाँ रमन सिंह जी और जोगी जी, अजीत जोगी जी दोनों चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ की जनता ने दोनों को निपटा।